अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाँरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ मटन भुना गोश्त की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जिसे आप लोगों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मटन भुना गोश्त की रेसिपी। मटन भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी मटन लिया हुआ है, हड्डी समेत है। आप चाहें तो बिना हड्डी के भी गोश्त भुना गोश्त बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, उसके साथ कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 लाल सूखी मिर्च और उसके साथ 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। अब हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और उसके साथ 1/2 चम्मच नमक भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और सबसे आखिर में 1 गिलास के करीब हमें यहाँ पर पानी डाल लेना है और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमें क्या करना है, अब कुकर को लीड से कवर कर लेना है। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 6 से 7 व्हिसल लगा दूंगी, उसके बाद मैं स्टोव का फ्लेम जो है लो कर लूंगी। लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह से इसे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं स्टोव को ऑफ़ कर दूंगी। तो चलिए अब हम गोश्त को इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो मैंने स्टोव को ऑफ़ कर ली थी और उसके बाद रूम टेम्परेचर में मैंने उसे उसी तरह से छोड़ दिया ताकि वो ठंडा थोड़ा सा हो जाए कुकर, उसके बाद हम इसका लीड हटा कर देखें। तो चलिए अब हम इसका लीड हटा कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से पक चुका है, 95% तक कुक हो चुका है, हमें ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए, स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के गर्म होते ही हमें यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के करीब तेल डाल लेना है और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को बीच से कट कर ली हूँ, उसे मैं डाल लेती हूँ। उसके साथ 2 बड़ी प्याज को इस तरह से हमें बारीक काट लेना है, उसे भी हम यहाँ पर तेल पर डाल लेते हैं। प्याज को हमें लाल ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा नरम करना है। उसके बाद हम जो कुकर में गोश्त को पका कर रखे हैं उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले प्याज को हल्का सा लाल कर लेते हैं, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा लाल और नरम हम कर लेते हैं। प्याज को लाल करने के दौरान हमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लेना है। मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि प्याज का टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, तो हम प्याज के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो प्याज को हम थोड़ा सा लाल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम गोश्त शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा लाल हो चुका है। अब हम यहाँ पर पका हुआ गोश्त, हमने जो कुकर में पकाया है, उसे यहाँ पर हम डाल लेते हैं और हम यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस हम प्याज के साथ गोश्त को लाल करेंगे यानी भुनेंगे। स्टोव का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो पर कर लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पहले हम इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भुनेंगे, उसके बाद हम स्टोव का फ्लेम जो है लो कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने गोश्त को 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टोव का फ्लेम लो कर लेती हूँ। लो फ्लेम पर मैं गोश्त को भूनूंगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काली मिर्च को कूट कर यहाँ पर डाल रही हूँ, पाउडर नहीं, कूटा हुआ काली मिर्च यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं। तो और उसके साथ 1 कप बारीक कटा हुआ हरी धनिया, उसे भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप हरी धनिया जो है ज़्यादा डालें, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है भुना गोश्त का। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और लो फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा भुना गोश्त बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टोव को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, रोटी चपाती के साथ या फिर चावल दाल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस भुना गोश्त बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही कम चीज़ों से आप भुना गोश्त बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।